शिक्षा और साक्षरता का कार्यक्रम समाज के एक ऐसे अंश और ऐसे भाग को प्रभावित करता है जो बड़े पैमाने पर अशिक्षित और एक गरीबी रेखा से नीचे के लोग के नीचे बसर करते हैं। ऐसे कार्यक्रम को चलाने के लिए ज़रूरी है कि ऐसे लोगों को किसी न किसी तरीके से इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की ओर आकर्षित किया जाए, और इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए, जैसा कि हमारे कार्यक्रम में निहित है और हम लोगों ने अपनी जो योजना बनाई है उसमें इसको रखा है, कि जो हमारी स्थानीय कलाएं हैं, हमारी जो संस्कृति है, लोक विधाएं हैं, गीतों और नाटकों के माध्यम से जो हम अपनी बात लोगों के समझ रखते हैं, इन सब को मिलाकर एक ऐसा कार्यक्रम तैयार किया जाए जिससे जो आम व्यक्ति हैं वो सहज रूप में इस कार्यक्रम से जुड़ जाएं। आप उत्तर बिहार के ऐसे क्षेत्र में अभी हैं जहाँ कला और संस्कृति का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान यहाँ के समाज और यहाँ की संस्कृति के विकास में रहा है। आपने मिथिला कला, मिथिला संस्कृति, मिथिला के चित्रकारी, यहाँ के खाने पीने और इन सबों के बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा। हमारा जो ये पूरा कार्यक्रम है, इसका केंद्र बिंदु हम लोगों ने संस्कृति को ही एक स्ट्रेंथ के रूप में पकड़कर हम लोगों ने इस कार्यक्रम को चलाने का निर्णय लिया है, और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम से जुड़े रहें।
लोग जब लिटरेसी मूवमेंट में यहाँ इन्वॉल्व हुए, हम लोग ने पाया कि लिटरेसी मूवमेंट में एक मेजर थ्रस्ट देने के लिए यहाँ का जो लोकल फोक फॉर्म्स है उसको इंटीग्रेट करना होगा लिटरेसी मूवमेंट में। और उसी क्रम में हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया जो मेन जो कल्चरल जोन्स है बिहार में, लाइक द मैथिल एरिया या भोजपुरी एरिया या जो बेगूसराय का एरिया है, विच इज़ नॉट पर्टिकुलर कोई कल्चरल फॉर्म्स नहीं है, ये मिक्स्ड ऑफ भोजपुरी मैथिली एंड अंगिका का मिला हुआ जोन है, ये सब एरिया में हम लोग ने जो फोक फॉर्म्स है उसको रिजरेक्ट करने का कोशिश किया और उसको इंटीग्रेट करने का लिटरेसी मूवमेंट में। अब वहाँ मान लीजिए जो बेगूसराय में हो या मैथिली एरिया में हो, जो जट जटिन का जो फोक फॉर्म्स था उसको लिटरेसी मूवमेंट में इंट्रोड्यूस किया गया, लिटरेसी मूवमेंट में इंटीग्रेट किया गया। इसके दौरान क्या हुआ कि लिटरेसी मूवमेंट में एक थ्रस्ट मिला। जब भी कोई कला जत्था का प्रोग्राम जब लोकल फोक फॉर्म्स को लेकर के कोई मैसेज को प्रोपोगेट होता था उसमें एक नया जान आ जाता था, मगर इसके पहले जो भी प्रोग्राम्स जो फोक को बिना जो प्रोपोगेट होता था उसमें कोई जान नहीं था। और ऑफन ये देखा गया कि जो जिस ढंग से मार्केट इकोनॉमी का पूरे हिंदुस्तान में एक वर्चस्व हो रहा है उसमें जो न केवल इंडिजिनस इकोनॉमी ऑब्लिटरेट हो रहा है कि एक ऑल इंडिया मार्केट इकोनॉमी में इंट्रीगेट हो रहा है, मगर इवन जो कल्चरल जो डाइवर्सिटी है उसका भी खात्मा हो रहा है विद द इंट्रोडक्शन ऑफ टेलीविजन, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ अदर कल्चरल फॉर्म्स। तो इससे फोक फॉर्म को बिना रिजरेक्ट करके लिटरेसी मूवमेंट में थ्रस्ट मिलना संभव नहीं हो पाया। और जब भी देखा गया कि कहीं मोस्ट ऑफ द जगह जो यहाँ जहाँ लिटरेसी मूवमेंट हुआ वहाँ पर मान लीजिए कि लोकल फिल्म्स या जो फिल्म्स सॉन्ग्स या फिल्म का माध्यम से मैसेज को कन्वे किया गया वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। अब हम लोग के यहाँ मान लीजिए कि बेगूसराय एरिया में, बेगूसराय में लिटरेसी मूवमेंट हो रहा है जो नॉर्थ बिहार का एक पार्ट है, या मधुबनी में जो नॉर्थ बिहार का पार्ट है, इस सब जगह में वहाँ का फोक फॉर्म्स चाहे वो जट जटीन हो या दूसरे जो लोकल फोक फॉर्म्स को लेकर के इंटीग्रेट किया वो काफ़ी सक्सेसफुल हुआ। We'll be right back.
जब जब परदेश जाय मेरे जतवा चिट्ठियो लिख पठे बउरे जब जब परदेश जाय मेरे जतवा चिट्ठियो लिख पठे बउरे हेरे चिट्ठियो लिख पठे बउरे दिल के बतिया तोरा लिखबौ दोसर के ओने बुझतौ रे दिल के बतिया तोरा लिखबौ दोसर आचार रे जाता सिक्की मौनी रे जाता हे रे जाता सब ता बना कभी दे पठाए भाई रे जाता Thank you.
लिटरेसी मूवमेंट का जो हम समझते हैं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट देन होगा अगर सक्सेसफुल हो गया, एंड आई एम श्योर ये सक्सेसफुल होगा, कि जो डॉर्मेंट या जो डाइंग जो फोक फॉर्म्स है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे बिहार में, वो रिजरेक्ट हो जाएगा लिटरेसी मूवमेंट पे, और उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। और उस दिशा में डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स का जो एकदम क्लासिकल फॉर्म्स का जो फोक है उसका हम पटना में प्रेजेंटेशंस करते हैं, और वहाँ हमारे एक्सपर्ट्स रहते हैं, लिटरेसी एक्टिविस्ट रहते हैं, कल्चरल एक्टिविस्ट रहते हैं, लिटरेरी पर्सन्स रहते हैं, उसका जो फोक फॉर्म्स को हम लोग लिटरेसी के साथ इंटीग्रेट करने का कोशिश किए हैं। कई जगह हम लोग सक्सेसफुल हुए हैं, मधुबनी हैज़ बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, और कई जगह हम लोग अभी इस काम को कर रहे हैं, और भविष्य में हम समझते हैं कि हम लोग इसको सक्सेसफुल हो पाएंगे। I'm not afraid.